Hello everyone, this is Jasmeet Bhatia from Landmark Immigration. As you know, Landmark Immigration in this sector is from 15 years and we are always giving our clients 100% genuine advice. So today I am with Mr. Sandeep Yadav from Flaming College Toronto campus. So welcome Sandeep to our show, and this show is basically for our YouTube viewers and will also be telecasted on Zee, and we'll be taking up live calls in this show. So if you have any query, you can call us live. So today we are introducing Flaming College Toronto campus, which is just started for September intake. So Sandeep, aap kaise batana chahenge ki Flaming College Toronto campus ki kya khasiyat hai, kyun student Flaming College ko choose karein, aur kitna purana college hai Flaming College? सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप यादव है. आई एम द एसोसिएट डायरेक्टर फॉर द फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो फॉर द साउथ एशिया मार्केट. सो पहले थोड़े से बेनिफिट बताते हैं फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो के. ये पार्टनरशिप हुई है ट्रेबस इंस्टीट्यूट एंड फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो के साथ, सो दैट द स्टूडेंट जिन लोगों को ऑप्शन चाहिए होते हैं टोरंटो के अंदर, वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. जो लोकेशन है हमारे इंस्टीट्यूट की वो है मिड टाउन टोरंटो. सो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन जो अवेलेबल है कनाडा टोरंटो के अंदर वो आउटस्कर्ट एरियाज में होते हैं, वेयर है जो हमारा ऑप्शन है वो मिड टाउन टोरंटो के अंदर अवेलेबल है, विच इज यंग एंड एग्लिंटन इंटरसेक्शन. इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है जिनकी डिमांड है इस टाइम पे कनाडा के अंदर. जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है बिजनेस के अंदर, जो बच्चे अभी जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम दिए हैं या देने वाले हैं, सो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर. इसके अलावा का 3 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है. पहला प्रोग्राम है हमारा ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, विच इज़ अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट. ये 2 साल का प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं इंडिया के अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज़ अगेन अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट. सो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. एंड द थर्ड प्रोग्राम व्हाट वी हैव इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विच इज़ अगेन अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट. सो इस टाइम पे इन तीनों प्रोग्राम की डिमांड इतनी ज़्यादा है बिकॉज आपको पता है कि कनाडा के अंदर जो बूमिंग सेक्टर्स हैं या तो वो ITI या वो बिजनेस है. तो हम लोगों ने हर तरीके के प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोग्राम मिले. सो कॉल लेते हैं संदीप, देखते हैं क्या क्वेरी है. हेलो हेलो सर, माय नेम इज ईशा अरोड़ा. आई हैव डन माय बैचलर्स ओके एंड गॉट 6 CGPA एंड आई हैव आईएलटीएस एंड स्कोर ओवरऑल 7. ओके, सो योर बैचलर इज व्हाट? बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, व्हाट यू हैव डन? बीटेक. ओके, यू हैव डन योर बीटेक. So we are discussing today Flaming College Toronto. So I will reply on the show. You can listen to the reply, what program, what which program you can choose. Huh? Isha, thank you for calling. So B.Tech की है, मेरे को लगता है 7 bands हैं बच्चे के और 6 CGPA. तो program project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बच्चा कर सकता है अगर वो किसी भी डोमेन से इंजीनियरिंग के लिए. अगर पर्टिकुलरली ये बच्चा आपका क्या कहना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है तो इनके लिए एक और प्रोग्राम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विच ऑल्सो फिट फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बिकॉज दे ऑल्सो डील इन सप्लाई चेन, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कोई भी बीटेक स्टूडेंट ले सकता है. Exactly. और जो बीटेक मैकेनिकल है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी ले सकता है, और अगर वो सप्लाई चेन नहीं लेना चाहता तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो क्या एंट्री रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें जो देखना है वो अकेडमिकली बच्चे का जो पास आउट है विद इन लास्ट 5 years होना चाहिए. इसके अलावा बच्चे की जो परसेंटेज है दैट शुड बी अराउंड 55% एंड अबव. ISC क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल 6.5 एंड नो बैंड लेस देन 6 हमें रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा उन लोगों को एप्लीकेशन करनी होती है, दे कैन रीच आउट टू लैंडमार्क इमिग्रेशन एंड दी काउंसिल कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली कि कौन सा प्रोग्राम दोनों में उनके लिए सूटेबल है. एंड दी एजेंट लाइक लैंडमार्क इमिग्रेशन कैन डू द एप्लीकेशन एंड दे कैन प्रोसेस दी एंड वी आर सेइंग दैट विद इन लाइक 10 business days वी आर प्लानिंग टू इशू द ऑफर लेटर सो दैट द स्टूडेंट हैज टाइम टू अरेंज द फंड एंड देन दे कैन मेक द पेमेंट फॉर द अपकमिंग इनटेक. सो द अपकमिंग इनटेक व्हाट वी हैव इज September 2022 राइट नाउ, वी आर ओपनिंग इट इन द नेक्स्ट मंथ. So the student can start applying for it. So Nisha जिन्होंने अभी हमें call किया वो eligible हैं project management के लिए apply करने के लिए. Exactly. तो जैसे Nisha जी ने बताया उनकी CGPA 6 CGPA which is good enough and उनका जो IELTS score requirement जो उन्होंने बताया वो 7 band है, तो yes she is eligible. The thing that we have to look into that she doesn't have anything less than 6 in any module of the IELTS. So, उनके 7 bands थे मेरे को लगता है, तो ओवरऑल 7 bands के लिए वो एलिजिबल हैं. सो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि वेट नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑलरेडी टोरंटो में ऐसे प्रोग्राम्स की जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं.
एंड दिस कैंपस विल ऑल्सो, मेरे को लगता है आपका कैंपस आने वाले 15-20 दिनों में फिलअप हो जाएगा. एग्जैक्टली. एंड किसी को भी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जल्द से जल्द आप हमारे ऑफिस में विजिट करें. नियरेस्ट ऑफिस चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, मोगा, बठिंडा, मोहाली, चंडीगढ़. नेक्स्ट कॉलर लेते हैं. शो हेलो. हेलो. हाँ जी सर. मैं शिवानी बात कर रही हिमाचल से. ओके. मैंने बीकॉम की हुई है, 70% बीकॉम की हुई है. 70% है, कॉल कट गई है. सो बीकॉम की हुई है आपने, 70% मार्क्स हैं, तो सभी कौन सा कोर्स ले सकते हैं ये? तो जैसे कि वो बता रही कि उन्होंने बीकॉम किया है, 70% है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बीकॉम के अंदर बच्चों के पास मैथ्स भी होता है. सो कंडरिंग द सिनेरियो, तो बच्चे के पास ऑप्शन है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट. सो मैथ्स कंपलसरी है फॉर द ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट. मैथ्स कंपलसरी है कि बच्चे का ग्रेजुएशन में मैथ्स हो. और अगर सप्लाई चेन में मैथ्स नहीं, नहीं उसमें मैथ्स रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगर बच्चे का मैथ्स नहीं है तो हम उन्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट दे सकते हैं. तो दोनों प्रोग्राम में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ये आता है कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, जिसके बाद बच्चा अपना अप टू 3 ईयर पोस्ट स्टडी वो परमिट अप्लाई कर सकता है. वेयर एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट 1 ईयर का प्रोग्राम है. अब स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर ले, दूसरा प्रोग्राम एंड सी देयर ही कैन डिसाइड, ही और शी कैन डिसाइड कि उसे कौन सा प्रोग्राम करना है, अकॉर्डिंग ही और शी कैन अप्लाई फॉर द वर्क परमिट. सो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में बीकॉम, बीबीए, बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एनीवन विद द मैथ, बीटेक वालों के पास तो मैथ होगा ही होगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट मेरे को लगता है बीटेक, बीसीए, कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन में मैथ्स करी है, बीएससी नॉन मेडिकल वाले बच्चे जाओ, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. जिन्होंने मैथ्स करी है अपनी ग्रेजुएशन में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. और उसके बाद हम बात करते हैं तो बैंड रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, 6.5, नो बैंड लेस देन 6. और ओवरऑल जैसे उन्होंने बताया उनके 70% थे तो उनके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि 55% की रिक्वायरमेंट है. सो फ्लेमिंग कॉलेज जो मेन कैंपस है उससे कितना लगभग दूर रहेगा? बिकॉज लोगों को ये होगा ना, फ्लेमिंग कॉलेज तो पीटर्सबरो में है. सो अभी नया कैंपस आया है, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पीटर्सबरो, दिस इज इन द हार्ट ऑफ टोरंटो. एंड बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत बजिंग लोकेशन है, बहुत ही मतलब हैपनिंग लोकेशन है. और बच्चे वहाँ अगर पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज ईटन सेंटर इज लाइक 5-7 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट लोकेशन. आई थिंक दे आर वॉकेबल डिस्टेंस अवे, और दे कैन टेक अ सबवे विच इज लाइक 2-3 मेट्रो स्टेशन, लाइक सबवे स्टेशन दे कैन क्रॉस एंड दे कैन रीच आउट टू. नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं संदीप. हेलो. हेलो सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ. हाँ जी. हाँ जी प्रियंका. जी जी सर, मैंने ना 12th करी है कॉमर्स में. ओके. तो दार्दीप में, और उसमें ना मेरे 72% मार्क्स है. ओके ओके. और फिर मैंने उसके बाद आईएलटीएस दिया है, तो फिर इसलिए मैं पूछ रही थी. तो आईलेट्स में कितना स्कोर है प्रियंका? कॉमर्स स्टूडेंट है, आईलेट्स में कितना स्कोर है आपका? सर मेरे ना 6 है. 6 each है. सो ओके प्रियंका, हम टीवी पे आपका आंसर दे देते हैं. आप टीवी देख रहे हैं तो आप लाइव आंसर देते हैं आपका. सो स्टूडेंट ने 12th कॉमर्स की है. सो ए जनरल बिजनेस का कोर्स वो ले सकते हैं, जो जनरल बिजनेस टोरंटो में डिप्लोमा इन बिजनेस, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होगा, इसके अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं. उनके पास मैथ्स है तो मैथ्स में उनके मार्क्स 50 एंड अबव होने चाहिए. इनकेस अगर बच्चे के पास मैथ्स नहीं भी है तो उनका फिर हम लोग देखते हैं कि उनके पास 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स जो हो या 11th स्टैंडर्ड में जो उनके मैथ्स हो गए उनके मार्क्स हम कंसिडर करते हैं. तो 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज होंगे? 50 मार्क्स वी आर लुकिंग एट. सो जनरल बिजनेस के लिए भी आपके पास 10th में मैथ होना ज़रूरी है, अगर 12th में मैथ्स नहीं है. और फिर नॉन मेडिकल वाला बच्चा अगर बिजनेस लेगा तो वीज़ा सक्सेस रेट ठीक रहेगा, अगर क्योंकि आपने मैथ्स की रिक्वायरमेंट रखी है, विच इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस. संदीप. हाँ जी बिल्कुल. अगर बच्चा नॉन मेडिकल से है या किसी स्ट्रीम से, अगर वो बिजनेस में अपना डोमेन बनाना चाहता है तो इसे राइट टाइम, बिकॉज जनरली क्या होता है कि इंडिया में आपके पास 12th 10th के बाद 3 ही ऑप्शन होते हैं कि आप 3 में से कोई एक मॉड्यूल ले सकते हैं, कि या तो आप साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे या आप कॉमर्स लेंगे. जनरली वो एज एक ठीक नहीं है, नहीं मानी जाती है, कहा जाता है कि बच्चा इतना मैच्योर नहीं है कि उसे सही डिसीजन उसने एक्जैक्टली लिया हो. तो अगर उसके बाद भी वो बिजनेस प्रोग्राम करना चाहता है तो देयर हैव टू मेक अ प्रॉपर एसओपी कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया अपना स्ट्रीम चेंज करने का, भी व्हाई दे वांट टू डू बिजनेस बैकग्राउंड नाउ, और पॉसिबल है वीजा आना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. सो जनरल बिजनेस इज अ 2 ईयर डिप्लोमा आइडियली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. और अगर किसी ने आर्ट्स में किया है और इकोनॉमिक्स पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है तो वो भी ले सकते हैं ये कोर्स? अगर किसी ने इकोनॉमिक्स किया है बिल्कुल वो ले सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके पास 10th में तो मैथ्स होना ही चाहिए, अगर उसके पास 11th और 12th में नहीं है तो.
ओके, सो टेंथ में मैथ्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इलेवेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, चाहे अपने इकोनॉमिक्स है आपके ट्वेल्थ में और इकोनॉमिक्स और मैथ्स है, फिर तो आप एलिजिबल ही हो जनरल बिजनेस प्रोग्राम के लिए। रिक्वायरमेंट 6 ईच रहेगी आईलेट्स की? 6 ईच रहेगी फॉर द एचडीएस प्रोग्राम। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे के एक मॉड्यूल में 5.5 है तो वी कैन एक्सेप्ट इट। सो व्हाट इज द फीस, ट्यूशन फीस संदीप? ट्यूशन फीस एक्चुअली हमारी वेरी करती है लाइक प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट इफ वी से लमसम लाइक इट्स समवेयर अराउंड से $18,000 पर ईयर इंक्लूसिव ऑफ ट्यूशन फी एंड द अदर एक्सपेंसेस। सो $18,000 ट्यूशन फीस है, लगभग 11 से 12 लाख के बीच में रहेगा बिकॉज डॉलर रेट इज 60, अभी 60 से ऊपर चल रहा है। अगला कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, सत श्री अकाल सर। ओके ओके, अमरजोत बताइए आपकी क्या क्वेरी है। ओके, आफ्टर दैट मैंने आईएलटीएस ट्राई कर लिए, 6.5 ओवरऑल है मेरे और 6 ईच है, तो आप प्लीज मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कुछ? सो कोई प्रेफरेंस है आपकी सिटी की अमरजोत, कोई प्रेफरेंस आपकी सिटी की? नहीं सर, एक्चुअली मेरे को प्रोग्राम भी सजेस्ट करिए प्लीज। ओके, मैं टीवी पे आप आंसर दे सकते हैं हमारा। सो बीबीए है, 6 ईच है, स्टूडेंट के नंबर 6.5 हैं और परसेंटेज भी ठीक है, 60% है उनकी परसेंटेज। सो मैथ्स है तो जीबीएम ले सकते हैं। एग्जैक्टली, मैथ्स क्योंकि जनरली बीबीए के अंदर बिजनेस मैथ्स होता है, तो यस दे कैन अप्लाई फॉर जीबीएम ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट 1 ईयर प्रोग्राम है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट 2 ईयर्स प्रोग्राम है। अगर जीबीएम आप चाहते हैं तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। ट्यूशन फीस पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में सेम है संदीप? हाँ जी, जो प्रोग्राम की फीस है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत हो सकता है, तो मैं इसलिए लमसम बोल रहा हूँ कि लमसम समवेयर अराउंड से $18,000 वन ट्यूशन फी। सो $18,000 के करीब फीस है बिकॉज टोरंटो इज एन एक्सपेंसिव सिटी। सो जितने भी कॉलेजेस अगर आप टोरंटो में चूज करेंगे उनकी फीस लगभग $16,000 से $20,000 के बीच में रहेगी। सो ऐसे ही फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो की जो फीस है दैट इज $18,000, और SDS केस में आपको पूरे साल की फीस जमा करानी पड़ेगी, GIC अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके अंदर $10,200 आपको जमा कराने पड़ेंगे। ऑल मनी इज़ रिफंडेबल इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, सारा पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कट के आपको वापस मिल जाता है इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल। सो टर्न अराउंड टाइम जैसे कि संदीप ने बताया कि 10 दिन में ऑफर लेटर देने की क्या कहते हैं उम्मीद रखते हैं, कोशिश रखते हैं संदीप। सो संदीप, आप फ्लेमिंग कॉलेज को कैसे प्रमोट करने वाले हैं बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड इट्स अ न्यू कैंपस और प्रोग्राम भी सारे बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। सो मेरे को लगता नहीं है कि आपके पास कोई भी सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग नेक्स्ट मंथ आने का प्लान कर रहे हैं मार्केट में, वी स्टार्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी आप अपनी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें और जितनी जल्दी आप अपने डिपॉजिट दें ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें पता है कि इस टाइम पे जो सीटें भी लिमिटेड हैं, हम लिमिटेड ऑफर लेटर्स इशू कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं, जितना जल्दी आपके पास आइल्स का स्कोर हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग कंडीशनल एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। तो वी नीड दैट आइल्स स्कोर शुड बी देयर, मार्कशीट शुड बी देयर, यू नीड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल टू योर एजेंट दैट इज लैंडमार्क कंसल्टेंट, एंड हियर यू विल कनेक्ट विद द काउंसलर एंड यू कैन प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स टू देम। आप अपने डॉक्यूमेंट उनको दीजिए, अपने स्कैन कराइए, जिसमें आपको लाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट, अपना आईएल्स, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एंड वो हमें जैसे ही इनको स्कैन करके हम लोगों को एप्लीकेशन करते हैं। एंड करंटली वी आर प्लानिंग टू गिव एडवांटेज टू आवर एजेंट दैट वी आर गिविंग दैम द एप्लीकेशन फी वेवर, सो देर विल बी नो एप्लीकेशन फी। तो आप उस चीज़ का भी बेनिफिट उठा सकते हैं बिकॉज इन फ्यूचर क्या होगा अभी कोई कह नहीं सकता। सो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आज की डेट में कोई भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं नहीं है जो एप्लीकेशन फीस वेवर दे रहे हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन इनिशियल ओपनिंग ऑफर बिकॉज दे कमिंग अप विद अ न्यू कैंपस, सो दे आर गिविंग दिस एप्लीकेशन फी वेवर जो कि बहुत ही बढ़िया। सो स्टूडेंट्स का $100 पहले ही बच रहा है वाइल अप्लाइंग फॉर देयर एप्लीकेशन। सो यू कैन विजिट आर नियरेस्ट ऑफिस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे नियरेस्ट ऑफिस चंडीगढ़, मोहाली, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और गुजरात में वडोदरा में है। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और प्रोसेस समझ सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं संदीप। बिल्कुल, हेलो। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी क्या क्वेरी है? हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। सर मैं अपने ना फाइल डिस्कस कर रही थी तो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए कि की डिस्कस करना चाहते हैं तो साढ़े ना।
मैं प्लस टू पास आउट हां ते मैं एक बारी मतलब ने फाइल लॉग कराई थी बट मैं ये रिफ्यूजल आ गई थी एंड मेरे ओवरऑल जेडे बैंड थे 7 थे। ओके सो आपके रिफ्यूजल आई है, आपके 7 बैंड्स हैं, नो प्रॉब्लम। बताइए तो क्या स्ट्रीम है आपकी, क्या स्ट्रीम क्या है, किस स्ट्रीम पे आपकी रिफ्यूजल आई है? प्लस टू आपने कौन सी स्ट्रीम में की है, कौन से साल में की है? सर मैंने रिसेंटली पास आउट स्ट्रीम है, 2021 में पास आउट है आप? जी जी हाँ जी। और स्ट्रीम कौन सी आपकी? सर मेडिकल, मेडिकल स्ट्रीम से हैं। सो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीफाइलिंग कर सकते हैं। सो मैं आपका शो आप शो में आंसर देख सकते हैं। सो देखो मेडिकल स्ट्रीम है तो फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो में आप नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज जनरल बिजनेस प्रोग्राम आई थिंक सो नहीं इतना ज़्यादा मैच नहीं करेगा। बट जिनकी रिफ्यूज़ल है और 7 बैंड से रिफ्यूज़ल है आई थिंक वी कैन टेक अप दोज केसेस एंड आफ्टर रिफ्यूज़ल ऑल्सो लॉट ऑफ केसेज आर गेटिंग वीज़ाज, दैट्स नॉट एन इशू। देखना पड़ेगा कि आपकी फाइल में क्या कमी थी जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल आई। और अगर आपको कोई कोर्स कॉलेज और भी ऑप्शन चाहिए होंगी तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो संदीप हम क्या कहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट, मैं मेरे को लगता है वहाँ से कॉल आ गई हमें, तो नियरेस्ट ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं मेरे को लगता है, मैं यही कह रहा था हमारे ऑफिस। बिल्कुल, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस जितने भी ब्रांचेज आप किसी में भी विजिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको होम ब्रांच में ही विजिट करना जरूरी है, आप किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। दे आर दी वन ऑफ द ऑथराइज्ड पार्टनर विद अस और वी विल से दे आर वन ऑफ द गुड पार्टनर विद अस हु गिविंग अस अ गुड लाइक हु हैज अ नॉलेज ऑफ द प्रोग्राम एडमिशन प्रोसेस एंड द वीजा प्रोसेस। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप जितना पॉसिबल हो सकता है आप लैंडमार्क इमिग्रेशन जाइए, आप वहाँ से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कराइए, आपका ऑफर लेटर टाइम पे आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीजा का जो भी प्रोसेस है वो ये लोग टेक केयर करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो दे आने वाले सेमिनार्स में हम हिस्सा बनने वाले हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो आई विल बी विजिटिंग टू द मेजरली थ्री ऑफ योर सेमिनार, that is 26, 27, 28. तो 26 मार्च को हम लोग मिल रहे हैं अपना बठिंडा में, 27 को हम मिल रहे हैं चंडीगढ़ में एंड 28 को हम मिल रहे हैं लुधियाना में। सो 26 को हमारा सेमिनार होने जा रहा है होटल स्टेला बठिंडा में और 27 को हमारा सेमिनार होने जा रहा है JW मैरियट में चंडीगढ़ में और 28th को लुधियाना में और 29th को अमृतसर में। हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें एंड गेट अ फ्री गिफ्ट व्हेन यू गेट अ काउंसल एट आर सेमिनार। सो अगला कॉलर ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी सर, मैंने एक गल पूछनी थी ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਤਾਈਏ ਸਰ। ਰੋਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ 6.5 ਸਕੋਰ ਨੇ ਆਈਐਲਟਸ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਪਲੱਸ 2 ਮੇਰੀ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਹੈ। 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰੋਂਟੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਰੋਂਟੋ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? सुने आपकी स्ट्रीम कौन सी है, कौन सी स्ट्रीम बताई आपने, क्या किया? कॉमर्स स्ट्रीम विद मैथ्स। ठीक है, विद मैथ्स है, आपने मैथ्स रखी है कॉमर्स में, कट गया कॉल। मान के चलते हैं कि कॉमर्स में उन्होंने अपने साथ मैथ्स रखी है तो हम उनको डिप्लोमा बिजनेस का प्रोग्राम दे सकते हैं जो कि 2 साल का प्रोग्राम है जिसके अंदर आईएलटीएस रिक्वायरमेंट 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली अगर बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो दे कैन स्टार्ट एप्लीकेशन राइट अवे टू यू सो दैट यू कैन क्रिएट अ पाइपलाइन एंड वंस वी आर ओपन यू कैन प्रोसेस द एप्लीकेशन। बिकॉज आप लोग को लगता है कि हाँ कॉलेज खुलेगा तो इनके पास बहुत मतलब एक होता है ना कि हम सेम डे अप्लाई कर देंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए लैंडमार्क इमिग्रेशन में सो दैट दे कैन यू नो कीप योर फाइल रेडी द मोमेंट वी ओपन अप दे कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द प्रोग्राम। बिकॉज इनके लिए भी इजी नहीं होता है कि एक फाइल आए और उसको 5 मिनट में अपलोड कर दें, इनको भी काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, उनको स्कैन करना है, प्रॉपर स्कैन करना है, कोई ब्लरी डॉक्यूमेंट ना हो या आप लोगों की तरफ से कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट ना हो। तो जितना जल्दी आप इनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या आपकी एप्लीकेशन को उतना जल्दी टाइमली प्रोसेस करा पाएंगे और जितना डॉक्यूमेंट सॉर्टेड वे में हमारे पास आएगा उतना जल्दी हम आपको आपका ऑफर लेटर इशू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स टोरंटो कैंपस ऑलरेडी बहुत हाई डिमांड में है और मेरे को लगता नहीं है संदीप हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं टोरंटो या GTA एरिया में। एग्जैक्टली, सो इफ़ यू आर लुकिंग एट टोरंटो और GTA एरिया आई थिंक फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो इज़ गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और आप 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। जैसे कि संदीप ने कहा कि सीट्स बहुत शॉर्ट रहेंगी, कम रहेंगी और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर दें।
चाहे ये नेक्स्ट वीक से ओपन होंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ओपन होंगे, बट हमको उसकी क्या कहते हैं फाइल्स आपको जमा करानी पड़ेगी और आपको पाइपलाइन में अपना केस रखना पड़ेगा ताकि जिस दिन फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो ओपन हो हम उसी दिन से आपकी एप्लीकेशन लगा सकें। संदीप हमारे साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, सो ऑफर लेटर्स या कोई भी इशू आएगा तो ही विल बी वन कॉन्टैक्ट पर्सन और हम इनसे कभी भी बात कर सकते हैं। सो आई होप कि स्टूडेंट्स को बढ़िया सर्विसेज मिलेंगी फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो से और लैंडमार्क इमिग्रेशन से, ताकि वो जो बाहर जाने का उन्होंने सपना देखा है और अच्छा सेटल होने का सपना देखा है वो पूरा हो सके। सो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे संदीप? नहीं, थैंक यू सो मच गाइस, बस इतना सा मैसेज है कि आप जब भी अपना प्रोसेस अप्लाई कराएं प्लीज़ अथॉराइज एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, बिकॉज उन लोगों को पूरा इन डिटेल नॉलेज होता है कि कौन सा प्रोग्राम आप लोग को सूट करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट अप्लाइंग फॉर वन पर्टिकुलर प्रोग्राम कि आपकी मर्जी है, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको भी समझना जरूरी है और आपके कंसल्टेंट को आपको ये समझाना जरूरी है कि मैं ये प्रोग्राम करना क्यों चाहता हूँ, बिकॉज वीजा ऑफिसर आपको वीजा उस ग्राउंड पर देगा। और लैंडमार्क इमिग्रेशन की जैसा हम सब जानते हैं जो भी हमारा हिस्ट्री है बहुत अच्छा रहा है हमारे साथ, बहुत टाइम से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने कभी देखी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के थ्रू अपनी फाइल प्रोसेस कराएं। आई डोंट थिंक सो देर बी एनी प्रॉब्लम, इवन दो इफ देर इज सम इशू कम्स अप यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू देम एंड देयर काउंसलर्स आर ऑलवेज इन टच विद मी, आई विल बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस एंड क्वेरी एट द सेम टाइम सो देट आपका जो भी इशू है रिजॉल्व हो जाए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द सेमिनार्स एंड यू कैन मीट संदीप एंड मी इन आवर अपकमिंग सेमिनार्स। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इस शो जिस दे विच कि आपां तुहानूं लैंडमार्क दे ऑफिस आ के जिहड़े वीज़ा बच्चों के आए होंगे ने वह हैंडओवर करते हैं, तो हर शो के तुसी कुछ ना कुछ जिहड़ा नवा एक्सपीरियंस करते हो उन्हां बच्चों के नाल मिलते हो जिन्हां दे रीसेंटली जिहड़ा जिहड़ा कैनेडा USA या फिर किसी भी कंट्री जिहड़ा वीज़ा वो स्टैंप होकर जिहड़ा आया हुंदा ते आपां उहनूं पासपोर्ट जिहड़ा उन्हां दा हैंडओवर करते हैं। तो अज मेरे नाल खड़े ने सतिंदर सिंह जी, आपां नाल जानदे हैं कि इन्होंने कित्थों अपलाई कीता सीगा, लैंडमार्क दे बारे किवें पता लग्गिया सी, किहड़ा कॉलेज है, किहड़ा कोर्स लिता है ते किहड़ी कंट्री दे विच इन्होंने जाना हुण। सतिंदर जी कित्थों बिलोंग करदे हो? Good morning sir. Sir, my name is Tinder Singh and I belong to Jalandhar. And as I have received my Canada visa, so I am very happy today. This is all because of the landmark immigration. As I have applied. अच्छा तो basically landmark के बारे पता कैसे लगा सीखा कि landmark immigration company को ही apply करना है? Actually, to be honest, I have applied so many visas for of my family. So I have received ample of visas like my brother and even I also received the visa. So basically, I know it from my brother. कितना के टाइम लग गया सीगा अप्लाई करने दे और वीजा आने दे विच कितना प्रोसेस? As you know, because of the COVID, the application were very delay. So I have received my visa 8 months. ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ 2015। एक डायरी है ते एक जिहड़ा जिहा कैलेंडर है जी, तुसी नाल एक लैंडमार्क दी टीम वल्लों तुहानू एक छोटा जिहा गिफ्ट है। यस सर, थैंक यू सर सो मच, एंड आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल दैट यू मस्ट विजिट द लैंडमार्क इमिग्रेशन एज दे प्रोवाइड अस द बेस्ट गाइडेंस एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सॉर्टिंग योर एप्लीकेशन। थैंक यू। लो, एक होर पासपोर्ट आपां हैंडओवर करन लगे हैं, नाम है मुहम्मद आमिर, इन्हां दी जिहड़ी वाइफ है ओह पहले कैनेडा च सी, ते इन्हां दा जिहड़ा स्पाउस वीजा जिहड़ा जिहा ओह कैनेडा दा अप्रूव होया, लैंडमार्क दी टीम ने अप्रूव करा के दित्ता है, ते आपां उहनां नाल गलबात करदे हैं। कितना एक्सपीरियंस रहा जी तुहाडा? बहुत वधिया रहा जी। की कहना चाहोगे लैंडमार्क दे लई, कितना काम करदी है लैंडमार्क इमिग्रेशन, किन्ने पॉइंट देना चाहोगे, अगर आपां 10 चों किन्ने पॉइंट देना चाहोगे? 10 दे विचों 10 ही, 10 दे विचों 10 पॉइंट, मतलब टाइम टाइम ते अपडेट करदे रहंदे सी? हां जी, टाइम रिगार्डिंग, कोई कन्फ्यूजन किसी तरह दी? ना जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल, मतलब वधिया इहनां दी सर्विसेज हैगीआं। हां जी, बहुत वधिया। होर लोकां ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ।